वार्डन पोर्टल तो अब खुल चुका था और अंदर जाने में मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे एक चेस्ट दिखती है और मैंने इस चेस्ट को खोला और इस चेस्ट को खोलते ही मुझे अंदर एक वार्डन हेलमेट दिखता है और मुझे नहीं पता कि ये वार्डन हेलमेट यहाँ क्या कर रहा था, पर इसके साथ एक बुक भी थी। मैंने इस बुक को खोला, इस बुक में लिखा था कि तुम इसे अंदर पहन के जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पर फिर मैंने इसे पहना और फिर मैं अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। अब मैं वार्डन पोर्टल के सामने खड़ा था और जैसे ही मैं इस पोर्टल के अंदर घुसा, मुझे दिखी अपने सामने वो दुनिया जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे आसपास अगर कुछ था तो वो था सिर्फ स्कल। मैं जिधर देखता उधर सिर्फ स्कल था और इतने अजीब अजीब मॉब्स जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर मैंने वार्डन हेलमेट पहना था, शायद इस वजह से वो मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे। पर फिर भी कुछ मॉब्स मुझे अटैक कर रहे थे, मैं उन्हें मारे तो दे रहा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे किन शक्तियों का सामना करने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वार्डन पोर्टल अब टूट चुका था और यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए फंस गया हूँ। मैं आसपास का रास्ता एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मुझे वहाँ पे एक चेस्ट दिखती है। ये चेस्ट यहाँ पे किसने रखी थी, यहाँ पे इसका होना अपने आप में ही काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहा था। मैंने इसको खोला तो मैंने देखा कि इसमें एक बुक थी और इस बुक में एक मैसेज लिखा था। इसमें लिखा था कि ये पोर्टल मैंने ही तोड़ा है, अब तुम यहाँ पे फंस चुके हो, यहाँ से तुम सिर्फ मुझे ख़त्म करके ही निकल सकते हो, जो कि मुमकिन नहीं है। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये पढ़ते ही मैं थोड़ा सहम सा गया, पर मुझे इतना पता चल गया था कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे एक ऐसी शक्ति को हराना पड़ेगा जो मुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस बायोम में मुझे दिखे काफ़ी अजीब अजीब मॉब्स, कई से मेरी लड़ाई हुई और कई को मैंने हराया भी। देखने में तो ये बायोम काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, पर हमारे पास एक मिशन था, हमें बॉस को हराना था, पर मैं उसे अपने नॉर्मल वेपन से नहीं हरा सकता था। मैं यही सब सोचता हुआ जा रहा था और काफ़ी देर भटकने के बाद मुझे एक इंसान दिखता है। एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा था, उसका यहाँ पे होना ही अपने आप में काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहा था। अरे तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे कैसे पहुँचे? तुम कौन हो? मैं तो यहाँ पे बहुत सालों से हूँ। बहुत सालों से? बहुत सालों से मतलब तुम एंशिएंट बिल्डर तो नहीं हो? हाँ, एंशिएंट बिल्डर ही हूँ मैं। तो तुम यहाँ पहुँचे कैसे? बहुत सालों पहले मैं उस पोर्टल में से आया था इस जगह पे, और मेरे पीछे ही वो पोर्टल फूट गया, वापस ही नहीं कभी जा पाया। तुम्हारे साथ भी यही हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ है। और तुम्हें यहाँ पे कुछ चेस्ट जैसी चीज मिली थी क्या, जिस पे लिखा था कि तुम अब वापस नहीं जा सकते? हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। तो मतलब यहाँ पे कोई है जो हमें यहाँ पे फंसा के रखना चाहता है, तो तुम्हें यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता पता है? बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई किया था। मैं और मेरे दोस्त इधर सब आए थे, सब मर गए, मैं अकेला ही बचा हूँ। तो हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकलना है। तो तुम अगर मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ यहाँ से बाहर निकलने में, और हम बाहर निकल सकते हैं। तुम्हें कुछ पता है? बाहर निकलने के लिए हमको इस जगह के बॉस को हराना है, तो हम उस और बॉस को बॉस है कैसे मरता हराएंगे? नहीं, नहीं मरता वो। उसके लिए हमको वेपन चाहिए एक, और वो कैसा वेपन? वेपन एक वेपन्स तो है टेम्पल है, हमारे पास। क्या कुछ अलग स्पेशल टाइप का वेपन वेपन चाहिए, चाहिए? स्पेशल वेपन इधर ही मिलता है, वो टेम्पल में रखा है। उस तुमने टेम्पल के पास गार्डियन है, वो गार्डियन कतई बॉस है, मरता नहीं है वो। समझा, 5 लोग हम थे, 5ों मर गए, एक बचाऊं मैं। अरे भाई, तो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। तो हमें पहले वो वेपन चाहिए होगा, उसी से हम उसको मार सकते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पास कुछ मैप है जिससे हम उस वेपन तक पहुंच सकें और उस गार्डियन को हरा सकें हम दोनों? बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा। ये कौन सा मैप है? इस मैप से हम उस गार्डियन तक पहुंच सकते हैं, उस वेपन तक जो कि तुम हाँ मुझे बता रहे हो? हाँ तो फिर चलो चलते हैं। मैं इस मैप को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता हूँ और तुम मेरे साथ चलो मेरे पीछे पीछे, और मुझे रास्ता बताते रहो। मैप तो मेरे पास है ही, पर तुम्हें एक्सपीरियंस है तो तुम मेरे साथ चलो और हम देखते हैं और चल के उस गार्डियन को आज हराते हैं, और उस वेपन को लेके उस बॉस को भी हरा देंगे आज, और वापस हम घर चलेंगे। चलो चलो, कोई बात नहीं, 5 तो मरी चुका है, एक और सही। और भाई यहाँ पे कितने अजीब अजीब मॉब्स हैं, मुझे तो बहुत देख के बहुत ही डर लग रहा है इनसे। यार मैप में तो दिखा रहा है कि हम बस पहुंच गए हैं वहां पे, थोड़ी दूर हाँ, हमारा एंशियंट टेम्पल होना चाहिए। चलता क्या फिरता यही मैप है? है क्या तेरे सामने, यही है क्या एंशियंट टेम्पल? ओ यही है, यही भाई है। पीटीएसडी हो ओ रहा है मुझे, भाई, कितना बड़ा है ये। यही पे कहीं पे बिछी होगी लाशें, यहीं पे तुम्हारे दोस्त मरे थे क्या? सब सब भाई साहब,
तो हमें फिर संभल के जाना पड़ेगा, ये बॉस अंदर ही कहीं होगा। हम एंशिएंट टेंपल तक तो पहुंच गए, और भाई ये देखने में कितना ज्यादा बड़ा है, और यहीं पे तुम्हारे सारे दोस्त मरे हैं, मुझे उनके लिए बुरा लगता है, पर अब यहाँ पे सिर्फ हम दो बचे हैं। चलो हम दोनों यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं कि हम दोनों यहाँ से निकल पाते हैं कि नहीं, पर मुझे यहाँ पे बॉस कहीं दिख नहीं रहा है। बॉस कहाँ? ओ ओ भाई ये क्या है? ओ भाई पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, बॉस आ गया। ओ भाई ये कैसा बॉस है? यही है यहाँ का गार्डियन? यही है, यही है। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है भाई। जाओ जाओ तुम लड़ो, मैं तुमको लॉन्ग रेंज सपोर्ट दूंगा भाई। हमने इसको मार दिया। तो भाई हमने बॉस मॉब को, यहाँ के गार्डियन को, इस टेंपल के गार्डियन को हरा दिया, और अब हमें वो वेपन मिल जाना चाहिए। ये वेपन अंदर ही कहीं होना चाहिए। क्या ये इन चेस्ट में? इन चेस्ट में तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी वेपन। इस चेस्ट में तो नहीं है, इस चेस्ट में भी नहीं है। आयरन लेगिंग्स है, पर ये ऊपर सीढ़ियों जैसा क्या है? ये सीढ़ियों जैसा, ओए एलन ये देख, ये सीढ़ियों जैसा क्या है? ओ भाई, और ये देख यहाँ पे वेपन। ओ भाई यही है वो एंशिएंट वेपन, लग तो यही रहा। चलो हम इसे लेते हैं, इसका थंडर बोल्ट। वो भाई हमें वेपन तो मिल चुका है, और यहाँ पे एक चेस्ट भी है। इस चेस्ट में क्या है? वेपन रूल्स। ओ भाई इसमें वेपन रूल करके एक बुक भी है, तो इसमें क्या क्या है? हम इसे चलाना सीख सकते हैं, और हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये वेपन है किसका और यहाँ कैसे आया। दिस वेपन वॉज मेड बाई दी एंशियंट सिविलाइजेशन विच थ्राइव्ड हियर बिफोर द रूल ऑफ द डार्क रूलर स्टार्टेड। अच्छा, this weapon is the only way by which you can defeat the ruler of the dark realm. One who wields this weapon will possess the power to free this realm of the dark ruler who traps builders here and makes them his servants. तो मतलब वो हमें अपना servant बनाना चाहता है, तभी उसने हमें यहाँ पे trap करके रखा है। भाई ये तो बहुत ज़्यादा गलत होता जा रहा है, हमें उसे हराना ही पड़ेगा अब तो किसी भी हालत में। So characteristics of the weapon. This weapon can teleport you to whichever position you throw this weapon in. हम इससे shield की तरह भी use कर सकते हैं। तो भाई चलो हम इसे चला के देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ये book मिली है, तो चलो हम सबसे पहले इस weapon को चला के देखते हैं कि हमें कैसे चला सकते हैं। ओ भाई मैं अपने mouse से control कर सकता हूँ, और अगर मैं right click करूँ तो ये मेरे पास वापस आ जाता है। भाई ये तो बहुत ही cool है, और मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकता हूँ। भाई मैं इसे लाइटनिंग भी समन कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा ओपी वेपन है भाई, तो बहुत ज्यादा ओपी है भाई साहब। इससे तो मरे जाएगा भाई, अभी ये चाहिए, इससे तो कौन नहीं मरेगा। अब हम बॉस को हरा सकते हैं, 50 मौत लगे। पर मैं इस वेपन से एक चीज और ट्राई करना चाहता हूँ जो शायद हम कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं। ओ भाई ये क्या है? ये क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। सारे सारे तो बहुत ही ज्यादा कूल वेपन है। और ये क्या, मैं यार टेलीपोर्ट हो गया? अरे 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 ये मैं कहाँ गया? अच्छा मैं टेलीपोर्ट हो गया। अरे मेरे पास फिर से आ गया भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा कूल वेपन है भाई, हम इससे तो मर ही जाएगा। हम चलते हैं बॉस के पास और उसको हराते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें जाना किस तरफ है, वो बॉस हमें मिलेगा किस तरफ, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो हमें किस तरफ मिलेगा। हाँ वो बात सही है। अब हमें वो एंशिएंट वेपन तो मिल चुका था, और वो सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, पर हमें यह नहीं पता था कि वो बॉस कहाँ पे है। हम काफ़ी ज़्यादा देर भटके, और काफ़ी ज़्यादा देर चलने के बाद हम आखिरकार उस बॉस तक पहुँचे। उसकी शक्ति का अंदाज़ा तो हमें दूर से ही हो गया था, पर जब हम पास में पहुँचे तो हमें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओ भाई अबे एलन सामने देख भाई, ये उड़ रहा है भाई, मुझे तो देखने से ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये उड़ कैसे रहा है? यही है यहाँ का।
मैप की लोकेशन तो यही थी और शायद भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसे, पर हमें यूज करने से पहले इसको हराना होगा। हमारी तरफ से सबसे गंदी वही बॉस है भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही भाई मुझे इससे डर लग रहा है। वो भाई ये तो बहुत ज्यादा डैमेज देता है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्थ है इसकी और ये तो मर भी नहीं रहा है मेरे से। रुको मैं एशियंट वेपन ट्राई करता हूँ, शायद लाइटनिंग से मर जाए। भाई ये टॉर्नेडो में फंस चुका है भाई, अरे मैं गया भाई, एक और बिल्डर शहीद हो गया, अब सिर्फ मैं बचा हूँ। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था, हमारा दोस्त जो कि एक एंशिएंट बिल्डर था वो भी अब मर चुका था, अब सिर्फ मैं बचा था। भाई ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है इससे। ओ भाई मर गया, और ये क्या, इसने एक पेंटिंग ड्रॉप करी है, ये कैसी ओवरवर्ल्ड पेंटिंग, ये कैसी पेंटिंग, और मैं इससे क्या वापस जा सकता हूँ। पहले तो मैं इसे लगा के देखता हूँ कि ये कैसी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। और इसमें हमारा ओवरवर्ल्ड बना हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो यही बाहर जाने का रास्ता लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो हम देखते हैं कि हम इसे जा पाते हैं कि नहीं। ओ भाई अच्छा ये पोर्टल थी ये पेंटिंग। भाई फाइनली हम अपने ओवरऑल में वापस आ चुके हैं, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इसका पार्ट वन देखना मत भूलेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?